अनूपपुर में ट्रक ऑनर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अवैध वसूली के विरोध में चक्का जाम कर दिया। उनका कहना था कि जमुना कोतमा और हसदेव क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली कोल माइंस की खदानों में कोल परिवहन रोड सेल समेत लिफ्टिंग लोडिंग और परिवहन के दौरान अवैध वसूली की जाती है। इस दौरान अधिकारियों की ओर से प्राइवेट कर्मचारी रखकर हर गाड़ी से 100 से लेकर 4000 रूपये तक वसूले जाते हैं। कई बार इसकी शिकायत प्रबंधक से की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ड्राइवरी क्या है, ये अंदर का चोरी वोरी होता है, डीजल चोरी, और प्लस लोडिंग भी बहुत लेते हैं। कौन कौन पैसा लेते हैं, कहाँ कहाँ लोडिंग में लेते हैं पैसा, और कांटे में भी लेते हैं, और पर्ची भी, नाम उनका नहीं पता मेरे को, नाम बम उम जी ऐसा बोलते हैं, और भी काका नाम है उनका, पशु जी कांटे में जो है उनका। कितने पैसे लेते हैं हम लोगों का, सब कुछ खर्चा मिला के 6-6.5 पड़ जाता है, सब कुछ मिला के बिल्टी उल्टी कमीशन लगा के लोडिंग वोडिंग सब। ये पैसा एक नंबर का है कि अवैध तरीके? अब ये नहीं पता भाई, कहा जहाँ लगता है हम लोग दे देते हैं। आपका ये अवैध है का जायज है कि अब ताम झाम नहीं जाने, पैसा नहीं होता तब क्या होता? पैसा नहीं होता लोड नहीं होता है, साइड में कर देते हैं गाड़ी। हम आए हैं भैया, गाड़ी का जो लोडिंग है वो ख़त्म होना चाहिए और गाड़ी का भाड़ा जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डीजल जो है बहुत अच्छा चार महंगा हो गया है, 92 रुपया और कुछ पैसा लीटर है डीजल। हमको ये भी जानकारी कि हाँ अवैध तरीके से मोटर मालिकों से वसूली होती है। हाँ होता है ना भैया, लोडिंग 4-4 हजार रुपया ले रहे हैं, जो यहाँ अंदर में गाड़ी लोड कराते हैं 3500-4000 रुपये लेते हैं एक एक गाड़ी का। गेट में भी पैसा लेते हैं, कांटा बाबू भी पैसा लेता है, लोडिंग में भी पैसा लेता है मशीन वाला। यहाँ जितने कर्मचारी हैं भैया, बिना पैसा की उन बातें नहीं करें।